आंखों में पानी आ गया क्योंकि मैजिक क्यूब के अंदर कितने घटिया बंडल है, लेकिन आपके आंखों में कोका कोला आ जाएगा क्योंकि आने वाले 4 दिसंबर को मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट करा जाने वाला है, जिसके अंदर मस्त मस्त से बंडल्स ऐड करे जाने वाले हैं, जो कि सारे बंडल्स का मेरे पास रिव्यू निकल के आ गया है। इवोगन अपग्रेड को लेकर इवेंट क्या रहेगा, क्या डेट रहेगी, बताने वाला हूँ। एक मस्त सा मोको स्टोरी इवेंट निकल के आ रहा है, इवो बंडल रिटर्न इवेंट की मैं आपको डेट बताने वाला हूँ। अपने थ्रोन इमोट को वापस कब करा जाएगा इसको लेकर अपडेट दूंगा। जो भी लोग AWM और XMT को चलाते हैं उनके लिए भाई एक काफी मस्त सी गुड न्यूज है, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा चेंज हुआ है। तुम्हारे भाई के पास ना इतनी मस्त मस्त अपडेट है कि तुम्हारा दिल गार्डन से गो डाउन हो जाएगा। तो मेरे ताव जी, सबसे पहले अगर अपन लोग बात करें अपने वर्ल्ड सीरीज इवेंट के स्पेशल आने वाले इमोट रोल के बारे में, पर्सनली आप सबकी डिमांड है FFWS इवेंट का नया इमोट अपना पायलट फ्लैग इमोट और FFWS इवेंट का ही अपना ओल्ड इमोट अपना थ्रोन इमोट। जब भी अपने गेम के अंदर वर्ल्ड सीरीज का सीजन आता था तब अपने को लगता था कि भाई वर्ल्ड सीरीज इवेंट आ गया है, लेकिन अब तो देखो वर्ल्ड सीरीज इवेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो भी गया है लेकिन कुछ लग ही नहीं रहा है। धीरे धीरे करके हर मेगा इवेंट खत्म से होते जा रहे, पता नहीं क्या सीन है। खैर बात करें अपने वर्ल्ड सीरीज इवेंट के थ्रोन इमोट और बैट फ्लैग इमोट के बारे में, देखो नॉर्मल सी बात है कि अपडेट के बाद ऐड करा गया वर्ल्ड सीरीज इवेंट का पैरेट फ्लैग इमोट, जो कि वर्ल्ड सीरीज इवेंट के थीम पे है, तो गरना को ना चाहते हुए भी इसे तो लाना तो पड़ेगा ही। इसीलिए रॉयल इवेंट के अंदर सबसे पहला मेगा रिवॉर्ड्स रहेगा अपना पैरेट फ्लैग इमोट। अब इसके साथ में अपडेट से अपने ओल्ड थ्रोन इमोट को लेकर भी हाँ कुछ इवेंट ऐसे गेम के अंदर फालतू के आ गए हैं, जिसकी वजह से इन इवेंट की डेट के अंदर थोड़ा बहुत चेंज वगैरह हो गया है। लेकिन आने वाले 28 नवंबर से पहले अपने गेम के अंदर इसको लेकर आपको रॉयल इवेंट जरूर से देखने को मिल जाएगा। पायरेट फ्लैग इमोट तो इसके अंदर रखा जाने वाला है लेकिन इंडिया को लेकर अपडेट सही है अपने ओल्ड थ्रोन इमोट को, लेकिन ओल्ड थ्रोन इमोट को ऑफिशियली कंफर्म करा नहीं जा सकता। अब ये जो अपना ओल्ड थ्रोन इमोट्स को लेकर इसलिए अपडेट है क्योंकि नॉर्मल से बात है कि ये अपने वर्ल्ड सीरीज इवेंट के थीम पे है और वर्ल्ड सीरीज इवेंट के कुछ आइटम्स वापस करे जाने वाले हैं। इवेंट कंफर्म होने से पहले इसको लेकर और भी कुछ अपडेट्स वगैरह आते जाएंगे, जो कि मैं आने वाले वक्त के अंदर भी आपको बताऊंगा। बताओ देखो, वैसे तो OB46 अपडेट के बाद OB47 अपडेट के अंदर बहुत सारे अवतार और बैनर है जो कि आप लोग देख लो, लेकिन पर्सनली अगर मुझे कोई अवतार अच्छा लगा है तो ये है वो कैट वाला भाई साहब, कहते ठेंगा दिखा रहा है ये। हालांकि इसके अंदर नारुतो के भी काफी अवतार वगैरह है, तो जो नारुतो के फैन हो गए उन्हें वो अच्छा लगा होगा, लेकिन पर्सनली ठीक है सबकी पसंद अलग होती है, मुझे ये ठेंगा वाला कैट वाला है ना बहुत ही मस्त लगा है। एक बोनस अपडेट आने वाले OB47 अपडेट के बाद सबसे पहले अपनी गेम की लोबी चेंज हो जाएगी और इस तरह का बैकग्राउंड आ जाएगा जो कि विंटरलैंड इवेंट 2024 का रहेगा। ये लोबी चेंज होने के बाद जब अपने गेम के अंदर नारुतो का इवेंट आ जाएगा तो वो लोबी अपने नारुतो के थीम पे कुछ इस तरह की करी जाने वाली है। नारुतो के स्पेशल इन गेम मैप में एक चेंज होगा, एक नया लोकेशन एड करा जाएगा। ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा नहीं तो गरना स्ट्राइक दे देगा, आप समझ जाना। ज्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा तो गरना ट्रैक देगा क्योंकि अभी दिक्कत हो रहा है। गजब। कुछ ही दिनों पहले डाटा मेंडर ने मुझे एक अपडेट्स दी थी अपने क्नी स्लाइड प्रोफाइल एनिमेशन को लेकर, जिसने मेरे को रिव्यू भी दिया था। 2 दिन पहले बाहर के एक सर्वर के अंदर फिडल विल इवेंट के अंदर दिया गया और आज ही बाहर के एक और सर्वर के अंदर इसे मोको स्टोरी इवेंट के अंदर दिया गया। जब तक अपने इंडिया के अंदर ब्लू लुक कोलैबोरेशन इवेंट चल रहा है, हालांकि यह अलग बात है कि अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, किंतु परंतु अस्तु नमस्तु, जब तक गेम के अंदर ब्लू लुक कोलैबोरेशन इवेंट स्टार्ट होता है वहां से लेके अपना ब्लू लुक कोलैबोरेशन इवेंट एंड होने तक आप उम्मीद रख सकते हो कि बाहर के सर्वर की तरह इंडिया के अंदर भी आ जाएगा, क्योंकि ये प्रोफाइल एनिमेशन फुटबॉल के थीम पे है और ऑलरेडी अब तो फुटबॉल के थीम पे एक मेगा इवेंट आने वाला है, तो आप लोग उम्मीद रख लेना। बाकी अब मैं आपको इसके नेक्स्ट अपडेट तभी दूंगा जब इंडिया को लेकर यह कंफर्म हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। मैं बस इंतजार कर रहा हूँ OB47 अपडेट का। हाँ क्या मतलब कि फिर कंटेंट ही कंटेंट, कंटेंट मतलब व्यूज, व्यूज मतलब पैसा। भाई बात तो सही है, हम यूट्यूबर का तो यही सीन रहता है, लेकिन सब कुछ साइड में छोड़ दो, मैं वेट कर रहा हूँ विंटरलैंड इवेंट का और नारुतो इवेंट का। अब देखो विंटरलैंड इवेंट को लेकर मैं ऑलरेडी काफी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, लेकिन एज अ लेटेस्ट अपडेट मेरे को मिली है वो जो अपनी विंटरलैंड इवेंट की M187 की स्किन है ना, इसको लेकर मुझे एक मोको स्टोर का रिव्यू वगैरह मिला है। अब
देखो इसके जो एट्रीब्यूट्स वगैरह कुछ खास तो नहीं है, लेकिन हाँ नॉर्मल भी नहीं बोल सकते अपन। जैसे लास्ट विंटरलैंड इवेंट का टाइम ओल्ड मैन मास्क को मोकुस्टरी इवेंट के अंदर दे दिया गया था। भाई ओल्ड मैन मास्क कितनी डिमांड थी यार उसकी, सो फिर भी वो मोकुस्टरी इवेंट के अंदर आया था। वैसे अभी अपडेट से निकल के आ रही है कि आफ्टर पेज अपडेट के बाद विंटरलैंड इवेंट के टाइम विंटरलैंड इवेंट की M187 की स्किन हमें मोकुस्टरी इवेंट के अंदर दी जा सकती है, ठीक है। अदरवाइज आपको तो पता है कि इसको लेकर रिंगी इवेंट आने वाला है, ठीक है, तो उसके अंदर आ जाएगी। लेकिन अपडेट ये निकल के आई है कि अब ये मोकुस्टरी इवेंट के अंदर आने वाली है। यस, काफी बढ़िया वाली बात है, क्योंकि भाई कोई तो ऐसा रिवॉर्ड्स अपने को मिले जिसके ऊपर अपना पूरा कंट्रोल हो, क्योंकि मोकुस्टरी के अंदर रिवॉर्ड्स को अपन चूज कर सकते हैं और रिंगी इवेंट में कोई गारंटी रहती नहीं है। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं विंटरलैंड इवेंट का वेट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसी के अंदर अच्छे रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे और नाटो कोलैबोरेशन के अंदर भी। जो भी लोग एक्समेटिक गन को यूज करते हैं उन्हें पता होगा उनके अंदर ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके अंदर अपन लोग सिर्फ एक 2x का स्कोप ही लगा सकते हैं, जो कि एक इनबिल्ट स्कोप है, एक्समेट प्लस साइलेंसर। भाई साहब मजे ही मजे। लेकिन आफ्टर पेच अपडेट के बाद आपके लिए एक गुड न्यूज है। आफ्टर पेच अपडेट के बाद एक्समेट के अंदर आप लोग 4x का भी स्कोप यूज कर सकते हो। आई मीन भाई ठीक है, आप लोग 2x स्कोप को हटा सकते हो और उसके जगह 4x स्कोप को भी लगा पाओगे। हालांकि अगर आप लोग 4x स्कोप को रिमूव कर दोगे तो इसके अंदर जो इनबिल्ट 2x का स्कोप है ना भाई, वो तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर रहेगा ही। लेकिन अब आप लोग आफ्टर पेच अपडेट के बाद 4x स्कोप भी लगा पाओगे। यार मैंने नोटिस करा है, ठीक है, एक्समेट के अंदर अगर साइलेंसर लगा दो भाई, टुचुक भाई कते खतरनाक चलती है। करंट अपडेट के अंदर और पिछले सभी अपडेट के अंदर जो एडब्ल्यूएम स्नाइपर लवर है उन्हें पता होगा कि उन्हें ना एक डॉट नहीं मिलता एम लेने के लिए, आई मीन क्रॉस हेयर। जैसे आप लोग एडब्ल्यूएम गन के अंदर स्विच करते हैं जो अपना क्रॉस हेयर वो गायब हो जाता है और अपने को जुगाड़ बैठना पड़ता है। मैंने ना एक जुगाड़ बैठा के रखा हुआ है, ठीक है, कि अपना जो पेट का वो आइकन है ना इमोट वाला, मैंने उसके ना क्रॉस हेयर की जगह पे सेट करके रख लिया ताकि मैं जब भी स्नाइपर को चलाऊं मेरे को आसानी हो भाई एम करने में। यार किन किन लोगों ने इस तरह का जुगाड़ बैठा रखा है यार कमेंट के अंदर बताना। लेकिन गरना को पता चल गया है कि भाई आप लोगों को प्रॉब्लम है, ठीक है, आई मीन जो अपनी प्रॉब्लम का सलूशन उसने कर दिया है आफ्टर पेच अपडेट के बाद। जब भी आप लोग स्नाइपर का यूज करोगे आई मीन एडब्ल्यूएम वगैरह, तो जो डॉट है ना वो रिमूव नहीं होगा, ठीक है, इसका जगह एक छोटा सा क्रॉस हेयर एड कर दिया गया है। आई मीन अब आपको कोई जुगाड़ वगैरह बैठाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी इनबिल्ट एन स्नाइपर के अंदर आपको मिल जाएगा क्रॉस हेयर वगैरह। और मेरे कंट्रोल के अंदर आप लोगों ने एक चीज को नोटिस करा होगा कि मेरे जो कंट्रोल्स वगैरह, ठीक है, रुको मैं इसके जो ट्रांसपेरिटी है मैं आपको बढ़ा के दिखा देता हूँ, ठीक है, मेरे कंट्रोल थोड़े से अजीब से है, मतलब कि जो गन स्विच का वो बटन्स वगैरह है वो नीचे है, मेडिकेट का नीचे वगैरह, ग्लूवल का नीचे, लेफ्ट साइड वाला ठीक है फायर बटन ऊपर की साइड। सो पबजी और फ्री फायर जब इंडिया के अंदर पीक पे था तब मैं पबजी खेलता था और पबजी के टाइम में यूज करता था 4 फिंगर का। लेकिन लो डिवाइस होने की वजह से मैंने फ्री फायर के अंदर शिफ्ट कर लिया और तब से लेके मैं अब तक का फ्री फायर ही खेल रहा हूँ। तो पबजी के अंदर जो मैंने 4 फिंगर की प्रैक्टिस करी थी वो मेरे को काम आ गई अपने फ्री फायर के अंदर। सो इसलिए मेरा कंट्रोल इस टाइप का है, ठीक है, लाइक 4 फिंगर वाला प्लेयर है। फिलहाल आप लोग कमेंट के अंदर बताओ कि आप लोग कितने फिंगर प्लेयर हो। ठीक है, लगातार 2 महीनों से अपने गेम के अंदर हमें इवो वर्ल्ड इवेंट के अंदर अच्छी खासी इवो गन दी जा रही है। अब इसलिए अपने को चाहिए एक इवो गन अपग्रेड इवेंट जिसके अंदर अपने को सस्ते में इवो गन को अपग्रेड करने का मौका मिले। नेक्स्ट इवो गन अपग्रेड को लेकर अपडेट्स ये है कि आने वाले 24 नवंबर को गेम के अंदर इवो बोनस इवेंट आएगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है कि अगर आने वाले 24 नवंबर को गेम के अंदर इवो बोनस इवेंट आने वाला है तो आज अपने गेम के अंदर इसका बैनर एड हो जाना चाहिए था, नहीं तो कल 21 नवंबर को। लेकिन आज गेम के अंदर बैनर्स ऐड करा गया नहीं है, कल गस एक लास्ट डे रहेगा 21 नवंबर को इसका बैनर ऐड होने का। अगर बैनर ऐड नहीं होता तो हमें आने वाले आफ्टर पेच अपडेट के बाद आई मीन नेक्स्ट विंटरलैंड इवेंट के टाइम में देखने को मिल जाएगा इवो बोनस इवेंट या फिर इवो गन को अपग्रेड को लेकर। भाई हर 1-2 महीने बाद इसका इवेंट आ जाता है, नहीं तो हर बार एक ना एक पेच अपडेट के अंदर ये आ ही जाता है। ये अपडेट तो एंड होने को है क्योंकि आने वाले 4 दिसंबर को तो
ओबी 47 का अपडेट आएगा। सो जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको साफ साफ बोलता हूँ, कल अपने गेम के अंदर ईवो बोनस इवेंट या फिर जो भी ईवो गन अपग्रेड को लेकर इवेंट आने वाला है उसका बैनर एड हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता, हाँ अगर एड हो जाता है तो 24 नवंबर को आ जाएगा, अगर नहीं होता तो फिर आफ्टर पेज अपडेट के बाद विंटरलैंड इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा। यार इस अपडेट के अंदर ऐसे कई सारे इवेंट है गेम के अंदर जो कि गर्न ने नहीं दिए है, पता नहीं क्या सीन है, मतलब कि ये अपडेट पूरा फालतू के इवेंट्स को लेकर ही गया है। कल गेम की फाइल के अंदर ईवो बोनस से इवेंट को लेकर अगर कोई बैनर्स वगैरह एड हो जाता है तो मैं कल आपको इसको लेकर एक और बार अपडेट्स दे दूंगा। हाँ लेकिन अगर आपको ईवो गन को अपग्रेड करने ही है तो आप यूज कर सकते हो स्टीरिया ऐप का, क्योंकि यहाँ पे आपको सस्ते में ईवो गन के टोकन वगैरह मिल जाएंगे। सस्ते में ईवो गन के टोकन के साथ साथ आप लोग सस्ते में वीकली मंथली मेंबरशिप वगैरह भी परचेस वगैरह यहाँ से कर सकते हो। बाकी आपको ट्राई करना है, मैं आपको इसके लिंक कमेंट बॉक्स के अंदर दे दूंगा, ट्रस्टेड एंड सेफ एप्लीकेशन है। हाँ भाई अच्छे अच्छे मैजिक क्यूब बंडल का वेट करते करते मेरी आईडी के अंदर 7 से भी ज्यादा मैजिक क्यूब वगैरह हो गए, लेकिन अच्छे बंडल तो भाई पता नहीं कब आएगे। लेकिन इस बार के ओबी 47 अपडेट के अंदर जो कि 4 दिसंबर को आएगा, इसके अंदर अपने मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर अच्छे अच्छे बंडल से ऐड करे जाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अपडेट आप लोग सुन लो, इस बार के मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के अंदर आपको इनक्यूबेटर के 2 बंडल्स देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं की दोनों बंडल आपको मेल वाले देखने को मिलेंगे, नहीं भाई आपको पता होगा जैसे बहुत टाइम पहले अपने गेम के अंदर 2-3 बार मैजिक क्यूब के अंदर इनक्यूबेटर के बंडल से ऐड करे गए थे, एक मेल वाला एक फीमेल वाला। वैसे ही हेलोवीन फेस इनक्यूबेटर ऑलरेडी एक बार गेम के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो इस टाइप के इनक्यूबेटर के बंडल्स वगैरह आपको हमारे मैजिक क्यूब के अंदर इस बार के स्टोर अपडेट के अंदर देखने को मिलेंगे। बहुत टाइम से पेंडिंग में पड़ा हुआ अपना ब्लू जोकर वाला बंडल जो कि ऑलरेडी एक टाइम पे मैजिक क्यूब के अंदर हुआ करता था, इस बार दिवाली को लेकर अपडेट थी कि दिवाली के टाइम यह आ जाएगा, लेकिन दिवाली तो भाई घटिया मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट गया है। मैं आपको कन्फर्म नहीं बोलूंगा लेकिन पॉसिबल रहेगा कि इस बार के मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के अंदर आपको जो ब्लू जोकर वाला बंडल है ये भी देखने को मिल जाएगा। मैजिक क्यूब के अंदर 10 बंडल ऐड होते हैं तो उनके अंदर 2 से लेकर 3 बंडल ही खास होते हैं। बाकी तो तुम्हें पता है कि ओल्ड डायमंड रोल के बंडल, ओल्ड गोल्ड रोल के बंडल, ओल्ड मैजिक क्यूब के बंडल ही ऐड करे जाते हैं। डाउनलोड हिट बंडल जो कि आप लोग देख लो, अपने ये ओल्ड डायमंड रोल का एक मेल बंडल है, मे बी मेरे पास ये ऑलरेडी है क्योंकि बच्चे भी अपने गेम के अंदर डायमंड रोल के अंदर आए था ना, तब मैंने उसके अंदर से इसे निकाल लिया था। डाउनलोड हिट बंडल का मिल जाएगा आपको इसका एक फीमेल वाला वर्जन, ये भी मेरे पास ऑलरेडी है मैजिक क्यूब के अंदर, ठीक है। वापस करा जाने वाला ओल्ड डायमंड रोल का बंडल है ये, एक ग्लैडिएटर जैसा आपको इसके अंदर बंडल क्लेम करने को मिलने वाला है। मे बी ये अपने ओल्ड मैजिक क्यूब का बंडल वगैरह जो कि वापस आपको करा जाने वाला है विद इसके फीमेल वाले बंडल के साथ में। अब ये जो इस तरह के बंडल वगैरह है, मतलब कि ठीक है कि आप परचेस करो, लेकिन इस टाइप के बंडल को पहन के खेलने में मजा आता नहीं है क्योंकि फिर ये कुछ भारी बल्कम फील वगैरह होते है। मगमा बोन बंडल जो कि आप लोग देख लीजिए भाई, ये भी अपना एक ओल्ड डायमंड रोल का बंडल है, इस अपने मैजिक क्यूब के अंदर ऐड करा जाने वाला है। हालांकि इस बंडल का ट्रोप वगैरह काफी बढ़िया मिल जाता है। भाई वेनम टच बंडल जो कि अपने ओल्ड मैजिक क्यूब का एक बहुत मस्त और खतरनाक बंडल है, हालांकि जितना अच्छा लगता है पहन के खेलने में कुछ मजा नहीं आता, ठीक है, कुछ ना भारी भरकम सा फील होता है ये। फिर इसके बाद एक खिलौने जैसा रोबोट जैसा बंडल जो कि ये भी अपने ओल्ड एक मैजिक क्यूब का बंडल्स वगैरह या आपको मेल के अंदर और फीमेल के अंदर दोनों के अंदर मिल जाता है। हालांकि इस तरह के बंडल्स को आप परचेस नहीं करो तो बेहतर है क्योंकि फिर आप इन्हें यूज तो करने वाले हो नहीं। इसका मेल वाला बंडल और इसका फीमेल वाला बंडल दोनों अपने मैजिक क्यूब के अंदर ऐड करे जाने वाले। फिर आपको मिल जाता है एक कीबोर्ड वाला बंडल जो कि अपने ओल्ड एक गोल्ड रोल का बंडल है। गोल्ड रोल का बंडल है तो ऑलरेडी आपके पास होगा, अगर नहीं है तो परचेस कर लेना, खास करके इसका टॉप बहुत मस्त है। नाइट ब्लूमर स्लेयर बंडल जो कि ये भी अपना एक ओल्ड डायमंड रोल का बंडल है विथ इसका फीमेल वाला बंडल। तो इस तरह के बंडल्स अपने मैजिक क्यूब के अंदर ऐड करे जाएंगे। 2 से 3 हो गए अपने ओल्ड इनक्यूबेटर के बंडल और बाकी जो मैंने अभी आपको शो करे उनमें से ज्यादातर बंडल देखने को मिल जाएंगे। बाकी आने वाले 4 दिसंबर को गेम के अंदर अपना मैजिक क्यूब अपडेट करा जाएगा विथ ओबी 47 अपडेट के साथ में। तो आप कमेंट के अंदर बताओ कि आपके पास कितने मैजिक क्यूब फिलहाल है। एक लास्ट अपडेट की फेक भाई, अपना बुयाटी ईवो बंडल गेम के अंदर वापस कब करा जाएगा? तो देखो गाइस, अपने ओबी 47 अपडेट के अंदर नारुतो का बंडल और विंटरलैंड का बंडल है। नए ईवो बंडल आने की वजह से और अपना स्कॉर्पियो और कोबरा बंडल पेंडिंग में पड़े होने की वजह से अपने गेम के अंदर बुयाटी ईवो बंडल
फिलहाल वापस करा जाने वाला नहीं है, तो आप लोग को उम्मीद मत करना और ना ही इसका वेट करना। अभी इसके कोई गारंटी नहीं है कि ये कब आने वाला है, इन फ्यूचर अपडेट्स आएगी तो बताऊंगा। लेकिन एक अपडेट जरूर से आ गई है अपने नेक्स्ट लकी विली इवेंट की डेट की और इसके रिवॉर्ड्स की, जानना है लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो। नेक्स्ट इवो वर्ल्ड इवेंट में कौन सी इवो गन आएगी, जानना है राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो।